डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. आज अनफॉर्चुनेटली आज हमारे दो और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की डेथ हुई है. उसमें से एक तो धौलाभाटा निवासी 70 वर्षीय पुरुष थे जो कि कल हमारे पास भर्ती हुए थे. इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अभी सुबह वो शांत हो गए. ये थोड़े दिनों पहले इनका बाईपास, हार्ट का बाईपास भी ऑपरेशन हुआ था. उम्र दराज से बाईपास का पहले पेशेंट थे. बहुत सारा समय हमको मिल नहीं पाया इनके लिए जाँचा वाँचा करने का और ठीक करने का, लेकिन आज सुबह इनका दुखद देहावसान हो गया. इसके अलावा एक और पेशेंट लगभग 58 वर्षीय ब्यावर निवासी पुरुष थे जो कि 22 तारीख से हमारे यहाँ भर्ती थे. काफ़ी ठीक चल रहे थे, काफ़ी दवाइयों का रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन कल रात को उनको कैसा लगा कि उनको हार्ट अटैक आया है. ECG करा, उसमें हार्ट के चेंजेस आए थे और वो रात को ही 12 बजे के आसपास वो भी शांत हुए. तो इस तरीके से दो पेशेंट हमारे और हमारे बीच नहीं रहे अभी भी. लेकिन हमारे पास 28 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव वार्ड में भर्ती हैं, जिनमें से दो पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और करीब 4 पेशेंट हमारे बाइक पर हैं. 7-8 मरीजों को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं. बार बार कह रहा हूँ कि अभी हमारे पेशेंट जो सीरियस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं. वेंटिलेटर वाले मरीज, बाईपेप वाले मरीज, ऑक्सीजन वाले मरीज, ये सब सीरियस हैं. हम इन सबको जो बेस्ट पॉसिबल दवाइयां हैं वो दे रहे हैं. राजस्थान सरकार द्वारा हमें पिछले 2-3 दिन से एक काफ़ी महंगा इंजेक्शन, जिसकी मुख्यमंत्री कई बार घोषणा कर चुके हैं, तो लगभग 40,000 के आसपास का इंजेक्शन रूटीन मार्केट में है जो कि राजस्थान सरकार को करीब 30,000 रुपये में पड़ता है. हमने करीब 6-7 मरीजों को वो लगाया है और काफ़ी अच्छे एनकरेजिंग रिजल्ट हमको मिले हैं. अब फिर भी जो भी है, जैसा भी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सब मरीजों को जान बचाने की, क्योंकि आज भी जो मुख्यमंत्री महोदय की VC हुई थी, उन्होंने विशेष निर्देश दिए हैं कि अब हमें सेव लाइफ, ज़िंदगी बचाने के लिए मेहनत करनी है. और भी दूसरे जो कार्य होते हो रहे हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो हमें ज़िंदगी बचाने की कोशिश करनी है, कोरोना से कोई जन हानि न हो, इसके बारे में पूरे दिशा निर्देश हमको दिए हैं. कुछ और इंजेक्शन हमें चाहिए, कुछ और जाँचें हमें चाहिए, वो हमने रिक्वेस्ट करी है, बहुत जल्दी हमें वो अवेलेबल हो जाएगी. कुछ जाँचें हम अपने स्तर पर मरीजों से कहकर या कुछ और करा के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी राज्य सरकार इसमें उपलब्ध करा देगी, तो और भी हम शायद ज़्यादा अच्छी सेवा कर पाएंगे मरीजों की. ऐसा Thank you.